नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी में। हम आ गए हैं आपके लिए लेकर के उत्तराखंड जीके का भाग दो, भूले से भी ना भूले। आइए देखते हैं कैसे। तो पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था जियोग्राफिकली, पूरा मैंने पढ़ाया था अच्छे से, सारा मैप से मैंने आपको बताया था कहाँ पे क्या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, आज हम थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और डेमोग्राफिक प्रोफाइल देख लेते हैं अपने स्टेट की। पूरा स्टैटिक है ये, ठीक है। आपको ये सारे वैल्यूज जो हैं किताबों मिल जाएंगी, लेकिन आप ये वीडियो देखेंगे ना तो आपको कुछ याद की जरूरत पड़ेगी नहीं, बस आप वीडियो देखिए और एंजॉय करिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ है, हमारे पास डिवीज़न दो है, कुमाऊँ और गढ़वाल, ठीक है। फिर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट 13 है, अगर आपको डिटेल में जानना है कि कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से डायरेक्शन में पड़ता है तो पहले वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने प्रॉपर मैप के थ्रू सब समझाया हुआ है। डेवलपमेंट ब्लॉक्स, हमारे पास 95 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत 7956 है, नया पंचायत 670 है, ठीक है। तो अब यार इनको याद कैसे किया जाए, तो देखो ये है 95, 95। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें यहाँ पे 95, 7 और 6, 6 7, 5 6 7, ठीक है। तो 5 6 7, इससे क्या बन गया, ग्राम पंचायत बन गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद हो गया आपको, डेवलपमेंट ब्लॉक आपको याद रखना है। 100 डिजिट पकड़ लो, 100 में 5 माइनस कर दो, 95 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 के बाद 6 आता है और 6 से एक पैक मार लेना, 7 आ जाएगा। तो याद हो गया आपको 7956, ठीक है। अभी इन्हीं को ले आओ, 6 इधर आ गया, 7 इधर हो गया, बस ये 0, ठीक है। तो नया पंचायत भी याद हो गया आपको 670, ठीक है। डिजिट याद करना है, वो कोड करना है, कुछ भी करो, मैंने तो ऐसे कराया तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान हो जाए तो अच्छी बात है। आपके पास अपनी ट्रिक हो तो आप यूज कर लो, नहीं तो सुबह शाम देखते रहो याद हो ही जाएंगे, ठीक है। ऐसे कोड कर सकते हो, ये तो ईजी है। लोकसभा सीट हमारे पास बहुत कम है, 5 है, ठीक है। राज्यसभा 30 है और ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे पास 70+1, एक हमारा जो गवर्नर होते हैं वो कर सकते हैं नॉमिनेट, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कितने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो 6 है हमारे पास हमारे स्टेट में, ठीक है। कैंटोनियम बोर्ड्स कितने हैं, तो कैंटोनियम बोर्ड्स हमारे पास 9 है हमारे स्टेट में। नगर पंचायत कितनी है, 48 नगर पंचायत है। नगर पालिका परिषद कितने हैं, तो 38 नगर पालिका परिषद है। तो यार ये तो तुम्हें बुक में मिल जाएगा, यहाँ पे क्यों आए हो। तो देखो यार एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें मैं। एक मुंशी था, मुंशी कैसा होता है, मोटा सा होता है, मतलब खूब पान वान खाता था, बढ़िया एकदम, ठीक है। उसे क्रिकेट का बड़ा शौक था, तो वो सोचता था कि हर बॉल पे छक्का मार दूं, ठीक है। तो अब उसको सिलेक्शन हो गया भाई, मुंशी हर बॉल पे छक्का मारता तो सिलेक्शन हो गया। मनगढ़ंत कहानी है, कोई ऐसा काल्पनिक नाम है बस ये एक, ठीक है। तो मुंशी का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। मुंशी गया कहाँ गया, मुंशी गया बोर्ड की बैठक में, आईसीआईसी की बोर्ड की बैठक में गया। तो उसने देखा सामने 9 बंदे बैठे हुए थे भाई, 9 बंदों ने उसकी मतलब खूब उसका मजाक बनाया कि भाई तू तो तब मोटा आदमी है, तू कैसे क्रिकेट खेलेगा भाई, तू तो मुंशी है, तू जाके कहीं हिसाब किताब कर, ठीक है। उसको बड़ा बुरा लग गया, वो वापिस अपने नगर आया, वापिस अपने नगर आया और जैसे ही फील्ड में उतरा उसने बहुत छक्के चौके मारे, लेकिन भाई मन में एक वो खटास रह गई थी उसके, तो हाफ सेंचुरी से पहले आउट हो गया वो, हाफ सेंचुरी से पहले आउट हो गया वो, ठीक है। लेकिन फिर अगले दिन दूसरा मैच था, अब दूसरा मैच देखने बहुत सारी बालिकाएं आई, बहुत सारी बालिकाएं आई दूसरा मैच देखने के लिए, क्योंकि पता लगा कि ये मुंशी नाम का बंदा है, बहुत छक्के मारता है, तो अब देखें कौन कौन है भैया। तो जब बहुत सारी बालिकाएं आई तो मुंशी ने भैया 6 बॉल पे 6 छक्के मार दिए। अब जब वो 6 बॉल पे 6 छक्के मार रहा था तो बॉलर घबरा गया, बॉलर घबराया और उसने 2 वाइड डाली थी बीच में। तो अब देखो भैया स्टोरी का मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पे। तो मुंशी हमारा जो था वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि उसको छक्के मारने का शौक था। फिर वो कहाँ गया, वो आईसीआईसी बोर्ड की बैठक में गया, जहाँ उसको कितने लोग मिले, उसको 9 लोग मिले, ठीक है। उन्होंने उसका बड़ा मजाक बनाया, ठीक है। फिर वापस अपने नगर आया, नगर आकर के उसने वो हाफ सेंचुरी से पहले आउट हो गया, ठीक है। तो 50 में 2 माइनस कर दोगे तो हाफ सेंचुरी से पहले कितना, 48, 49 में नहीं था, 48 था। दो दो रन बस 2 रन बनाने थे, उसको बना नहीं पाया, आउट हो गया बेचारा। अगले दिन उसको गुस्सा आया, उसने बोला भैया मैं तो 2 रन बना नहीं पाया,
आज मैं जाऊंगा, और बड़ी सारी बालिकाएं आई थी, बालिकाओं को देख मुंशी भाई को जोश आया और भाई ने 6 बॉल पर 6 छक्के मारे, 36 रन बनाए। और ये देख करके बॉलर डर गया, बॉलर ने 2 वाइड भी डाली, नर्वस हो गया था यार, 6 बॉल छक्के मारना मजाक है क्या, नर्वस हो गया, तो 38 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 38 आपको याद हो गया, अब कुछ भी आया एग्जाम में तो आपको ये याद हो गई है। ठीक है, तो नगर पालिका जैसे आपको दिखेगा, आपको देंगे बालिकाएं याद आएगा, 6 बॉल 6 छक्का और 2 वाइड बॉल, 38 रन हो जाएंगे यहाँ से। नगर पंचायत 48 हो गया, कंटोनियम बोर्ड में कितने लोग थे, 9 लोग थे, और मुंशी भाई को छक्के मारने का शौक था, खत्म। अब आ जाओ डेमोग्राफी प्रोफाइल पे। ठीक है, हमारा जो स्टेट है वो 20वें नंबर पे है, कितने नंबर पे है, 20वें नंबर पे है हमारे, जो मतलब ओवरऑल ग्राफिकल देखा जाए तो पॉपुलेशन के मामले में 20वें नंबर पे है। ठीक है, ये हमारी पॉपुलेशन है 1008692। ठीक है, तो यार ये तो देख के याद ही करो, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता इसका। और फिर हमारे जो मेल हैं वो है हमारे 3751377773। तो यार देखो इसमें 2 रिपीटिंग डिजिट हैं, 37 के बाद 77 रिपीट हो रहा है और फिर 3 दोबारा आ रहा है, तो इस तरीके से सोच सकते हो तुम, उसको देख करके एग्जाम में तुम्हें दिखेगा कहीं पीछे से ऐसा कुछ दिखे 37 में 3 दोबारा आ रहा है, तो याद कर लेना कि यही आंसर है। ठीक है, और फीमेल हमारी कितनी है, 4948519। ठीक है, तो ये हमारी फीमेल की जनसंख्या है। सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो हमारा बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया 97963, बहुत अच्छा सेक्स रेशियो है हमारा। ठीक है, तो और हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 890 है। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 890 है। लिटरेसी रेट में हम लोग आते हैं 17वें स्थान में, अपने पूरे देश में हम लोग 17वें स्थान में आते हैं, और जो हमारा लिटरेसी रेट है वो है 78.82। फीमेल जो है हमारे पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, तो देखो यहाँ से ऐसे घुमा लो इसको, ये 8 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 87। ठीक है, फिर जब 87 हो जाएगा तो 7 को घुमा लो इधर और 8 को मिटा देना, 8 - 70 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना बस खाली लिटरेसी रेट, आसपास भी आ जाएगा तो तुम मतलब आसपास वैल्यू के पहुंच जाओगे। ठीक है, तो 78 से फिर 8 इधर ले आना, 87.4, और फीमेल के लिए फिर 7 इधर ले आना, 8 माइनस कर देना, 70.01 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। तो लो भैया रैंक याद करनी है, 70 है, 70 में 0 हटाया 1 लगाया, 17वीं रैंक हो गई। ठीक है, 17वीं रैंक भी हो गई, और ये हमारा 20वें रैंक पे डेमोग्राफिक प्रोफाइल था, ये मेल हो गया, फीमेल हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछ लेता है, सेक्स रेशियो में 100 माइनस कर देना, मतलब लगभग 100 माइनस कर दोगे तो 890 के आसपास पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से ध्यान रख लेना वैल्यूज़। ठीक है, ध्यान रखना तरीका है आपका अपना होगा, हमारा अपना है, हम बता रहे हैं आपको, ध्यान रख जाइए, अच्छी बात है। मोस्ट पॉपुलस पॉपुलेशन, पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है, सबसे ज़्यादा आबादी के क्षेत्र में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से जिले में है, तो वह हरिद्वार। तो आपने देखा होगा कि हरिद्वार में हड़की पौड़ी है भैया, सबको गंगा माता में नहाना है पाप धोने, तो बहुत लोग जाते हैं वहाँ पाप धोने, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो पॉपुलस है इसीलिए वो है हरिद्वार। फिर आता है हमारा लीस्ट पॉपुलस पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, तो वो है रुद्रप्रयाग। इसको कैसे याद रखोगे, देखो तो नया बनाया, अभी न्यूली फॉर्म्ड है, और सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर ना भोलेनाथ का मंदिर है केदारनाथ, तो केदारनाथ के दर्शन हर किसी को हो नहीं पाते, बाकी सारे लोग पहुंचते हैं, तो इसलिए वहाँ पॉपुलेशन भी कम है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग लीस्ट पॉपुलेशन हो गया। अच्छा, रूरल एरिया की परसेंटेज कितना है, मतलब हमारे वहाँ रूरल एरिया सबसे ज़्यादा है तो वो कितने हैं, वो है 69.77। ठीक है, अर्बन एरिया 30.23। ठीक है, लार्जेस्ट बुग्याल बिदेनी में है, चमोली, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, एग्जाम में आता है इस तरह क्वेश्चन। बुग्याल क्या होता है, बुग्याल ग्रासलैंड होते हैं, नेचुरली फॉर्म ग्रासलैंड होते हैं। ठीक है, मतलब बढ़िया से हरे हरे से पहाड़ जैसे दिखेंगे तुम्हें। ठीक है, ग्रासलैंड होते हैं एकदम, तो बिल्कुल दूर दूर तक कोई जंगल नहीं होता यहाँ पे, उसको बुग्याल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यार ये बी यू, ठीक है ना, बू और बी, तो बू बी बिदेनी। ठीक है, बिदेनी, तो बुग्याल से याद हो गया बिदेनी हमें। ठीक है, वो कहाँ है हमारा, चमोली में है, तो बिदेनी चमोली। ठीक है, तो बिदेनी और चमोली, तो ऐसे याद हो जाएगा तुम्हें, अगर जिसको मतलब दिक्कत हो रही है, कोई नया बंदा पढ़ रहा है बाहर से आया हुआ है, तो उस तरीके से याद कर सकता है। ठीक है, जो लोकल हैं तो उनको पता होगा बुग्याल, उनके घर के आसपास ही ये बिदेनी होगा, तो उनको तो पता ही होगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर हमारी काली रिवर है। ठीक है, ऐसा हमारा कुछ भौगोलिक क्षेत्र है, ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने रेक्टेंगुलर बना दिया, ऐसे आइडिया ले लो, तो इधर बहती है हमारी, ये नेपाल बॉर्डर के पास में बहती है, तो हल्का सा कट मार के अंदर आती है टनकपुर के पास में, तो वहाँ इसको शारदा बोलते हैं। ठीक है, तो काली रिवर है जो हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है, इसकी डिस्टेंस है वो हमारी 252 किलोमीटर है। ठीक है,
और ये शारदा रिवर है, शारदा रिवर भी बोलते हैं इसको, टनकपुर के पास में वहाँ पर चंपावत डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है ये यहाँ पे, ठीक है। जनरली ये नेपाल बॉर्डर को पूरा सेपरेट करते हुए आती है हमारे, एक एक लाइन सी खींचते हुए आती है, एक एक, एक बाउंड्री शेयर मतलब अलग करती है बाउंड्री काली रिवर नेपाल को और उत्तराखंड को, ठीक है। तो यही सब था हमारे इस आज के कार्यक्रम में। अगर आपको पसंद आया तो बताइएगा हमें अपने कमेंट्स में, और लाइक करिएगा वीडियो पसंद आई तो, और वीडियो चाहिए होंगी तो और शेयर करिए, बताइए हमें, हम बनाएंगे। थैंक यू।